ఓపెనింగ్ కమాండర్ శ్రీ నిరంజన్ సింగ్ రాజ్పు, दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशेष आमंत्रित गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी कर्मचारियों और ध्वज वंदना के पवित्र क्षणों में उपस्थित विशाल जनसमुदाय का ये दिन देश ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर गणतांत्रिक बना देना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्र संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूँ जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हमें आजाद देश के नागरिक के नाते आजादी को बरकरार रखना और इस विशाल देश के असंख्य नागरिकों के सुख दुख में भागीदार होने के कर्तव्य का भी स्मरण करता हूँ। प्रदेश में हाल में ही हुए विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जन आदेश के लिए हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए अभी 40 दिवस भी नहीं हुए हैं। हमने प्रदेश की जनता को एक वचन पत्र दिया है जिसे हमने 5 सालों में पूरा करने का वादा किया है, परंतु हमने इसका तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। उस आदेश पर अमल भी उसी तेजी से हो रहा है। 15 जनवरी को सभी पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगा दी गई है और उनके आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी भी अन्य राज्यों ने ऋण माफी का क्रियान्वयन इतनी तेजी गति से नहीं किया है। ये वचन पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक झलक है। वचन पत्र के कई वादे हमने इतने कम समय में ही पूरे कर दिए। औद्योगिक नीति में हमने बदलाव किया है और शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों पर बंदिश लगाई है कि कम से कम 70% रोजगार वे मध्य प्रदेश के ही लोगों को देंगे। हमारी युवा शक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है इस प्रतिभा को निकालने की जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे रोजगार के अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठा सके। प्रतिभा निखारने के साथ साथ उन्हें रोजगार की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह रोजगार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है, परंतु शहरी क्षेत्र में हमारे युवा ऐसे किसी अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवकों को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र के में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे इस अवधि के बाद उनको हाथ में कौशल हो और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को पूरा पूरा लाभ उठा सके। योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होना होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
हमने वचन पत्र में एक वचन दिया था कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसे बढ़ाते जाएंगे। हमने अपने वचन पत्र में जनता से ये वादा किया था कि तेंदुपत्ता मजदूरों और बोनस का नकद भुगतान करेंगे। इस बाबत निर्णय के लिए लिए किया गया है और आने वाले तेंदुपत्ता सीजन में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन होगा। इसके साथ ही हमारा ये भी वादा था कि तेंदुपत्ता मजदूरों की दरों में सुधार किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम तेंदुपत्ता के मजदूरों मजदूरी दर 2000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा कर रहे हैं। पशुओं के लिए गौशाला खोलने का वादा हमने वचन पत्र में किया था। इस हेतु योजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा विश्वास है कि फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाईजनों के पास जमीनों तो होती है, परंतु वे उसका सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकें जिसके उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैंने जनजातीय कल्याण मंत्री जी के अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति के कुछ सांसदों और विधायकों की एक समिति बनाई है जो इस बारे में अपनी स्पष्ट अनुशंसा देंगे। उन अनुशंसा पर हमारा सरकार तत्परता से कार्य करेगा। प्रदेश में नया अध्यात्म विभाग गठित किया है। भारत की अध्यात्मक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं आगे बढ़ाने और वर्तमान संदर्भ में देश विदेश की अनेकता में एकतावादी संस्कृति के विकास को नए आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। नए विभाग द्वारा आनंद और धार्मिक न्यास और धर्म विभाग के सभी कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के कार्य संभाला है, फिर भी जनता से किए गए वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। करों की चोरी की रोकथाम, राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर और आय के नए साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक व्यय का भी रैशनलाइजेशन किया जाएगा। सरकार ऐसी योजनाएं जो आम नागरिक प्रसंगित नहीं कर रही है को बदलेगी, यह समाप्त करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य सड़क, बिजली, सिंचाई, जल प्रदाय, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जाएगी। इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में हमारा ये प्रयास होगा कि स्कूलों में लाभदायक पढ़ाई हो, अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और कुपोषण के विरोध समाज के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश की 3/4 आबादी गाँव में बसती है। गाँव के विकास के बिना प्रदेश के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की कोशिश होगी कि गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्राम उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसी मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गाँव को समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत वार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से
उन पर अमल किया जाएगा। लोगों की सरकार के स्थान पर लोग ही सरकार के सिद्धांत पर पंचायत राज संस्थाओं का सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष महिला ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। मेरा मानना है कि सरकार परिवर्तन महज चेहरों का परिवर्तन ना होकर वास्तविक अर्थों में परिवर्तन का कारक बनना चाहिए। इसीलिए शासन प्रशासन में नए कार्य संस्कृति बनना जरूरी है। नए नजरिए और दृष्टिकोण के परिवर्तन आना ही है। मुझे विश्वास है कि ये नई संस्कृति वक्त है बदलाव का को पूर्णता देते हुए प्रदेश की प्रगति के नए आयामों की ओर ले जाएंगे। सुशासन अब जुमला नहीं सच्चे अर्थों में दिखाई देगा। सभी शासकीय पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वे जनसेवक हैं जिनका काम जनसेवा है। हमारे वचन पत्र के अनुरूप प्रदेश भर में पुलिस के मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का निर्णय लिया गया है और ये व्यवस्था आज से प्रारंभ की जा रही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे जनसेवा का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे जिससे प्रदेश की जनता का भला हो। सरकारी विभागों और सरकार अमले के कार्यों का जनता द्वारा किए गए मूल्यांकन ही सही माना जाएगा। इस तरह सरकार एक ऐसा नया प्रदेश का निर्माण करेगी जो शासन प्रशासन और आम लोगों के मध्य समन्वय का उदाहरण होगी। ऐसा प्रदेश जिसमें सब वर्ग सरकार की चिंता का केंद्र रहेंगे बिना जाति पंथ संप्रदाय और धर्म के भेदभाव की। मैं प्रदेश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो जन आदेश उन्होंने हमें सौंपा है उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने के प्रयास करेंगे। नई सरकार से लोगों की नाउम्मीदी नहीं होगी। हमने प्रतिपक्ष के रूप में पिछले सालों में अपनी जिम्मेदारी का पूरा शक्ति से निर्वहन किया है। अब हमें सरकार से जनता की अपेक्षाओं का पूरा एहसास है। हम घोषणाओं की बजाय वास्तविक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। प्रचार कम काम ज्यादा के सिद्धांतों पर सरकार काम करेगी। मेरी सरकार के काम का केंद्र बिंदु हमारा वचन पत्र होगा जिससे हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हम आने वाले 5 सालों में प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख चैन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय मध्य प्रदेश।